सभी अच्छे होंगे और आप सभी का चैनल पर स्वागत है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम आपके सामने एक ऐसा फैक्ट या फुल फॉर्म बताना चाहते हैं, भाई हम इंडिया भारत देश के अंदर रहते हैं तो हमें अपने मतलब इंडिया की फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। तो ये कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भाई इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, इंडिया की फुल फॉर्म क्या है? आई इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जिसको हिंदी में कहते हैं हम स्वतंत्र, और एन होता है नेशन, नेशनल जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय। आई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जिसको हम कहते हैं, भाई इंडिपेंडेंट क्या होता है, स्वतंत्र होता है, किसी का गुलाम न हो से हम स्वतंत्र कहते हैं। और एन होता है नेशनल जिसको हम राष्ट्रीय कहते हैं, और डी फोर होता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक क्या होती है, लोकतंत्र। लोकतंत्र किसे कहते हैं, भाई जिसमें सभी को इलेक्शन लड़ने की जरूरत हो, आवश्यकता मतलब अधिकार होता है, और बोलने का अधिकार होता है, घूमने का अधिकार होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। आगे है आई फोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को हम कहते हैं बुद्धिमान, इंटेलिजेंट को हम कहते हैं बुद्धिमान। और ए फोर एरिया को बोलते हैं हम, एरिया मीन क्या होता है, जिसको हम क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर से दोबारा से रिपीट करते हैं, इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, आई फोर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, एन फोर होता है नेशनल जिसको हम राष्ट्रीय कहते हैं, और डी फोर डेमोक्रेटिक लोकतंत्र कहते हैं, आई फोर इंटेलिजेंट बुद्धिमान कहते हैं, और ए फोर एरिया जिसको हम क्षेत्र कहते हैं। तो इसीलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया, हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम, स्वतंत्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक बुद्धिमान क्षेत्र, स्वतंत्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक बुद्धिमान क्षेत्र। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू।